नमस्कार, सन्नाइस न्यूज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमिताभ राय। यूपी के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें थार जीप और फॉर्चूनर गाड़ी किसानों को कुचलते हुए आगे निकल जाती है। हालांकि सोमवार को यहां धरना स्थल पर मौजूद किसानों में से ज़्यादातर का दावा है कि यहां केवल गाड़ियां ही नहीं चढ़ाई गई बल्कि गोली भी चलाई गई। कुछ किसानों की गोली लगने से मौत हुई है, ऐसा भी दावा किया गया था। लखीमपुर हिंसा मामले में मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगलवार को आ गई। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ सामने आया है, वो हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। रविवार को घटना के समय मौजूद तमाम लोगों ने दावा किया कि एक किसान की गोली लगने से मौत हो गई। इस घटना का किसान ने एक वीडियो भी दिखाया, जिसमें एक शख्स बंदूक लेकर लोगों के पीछे भाग रहा है। हालांकि यह वीडियो इसी घटना का है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। लखीमपुर हिंसा में मारे गए चार किसानों की ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला है कि किसानों की मौत सदमे, खून ज़्यादा बहने से और ब्रेन हैमरेज के कारण हुई है। इनमें गोली लगने के कोई निशान नहीं मिले हैं। मृत किसानों की पहचान छत्र सिंह, दलजीत सिंह, लवप्रीत सिंह और गुरविंदर सिंह के रूप में हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि 18 वर्षीय किसान लवप्रीत सिंह की मौत घसीटने, ब्रेन हैमरेज और अत्यधिक खून बह जाने से हुई है। रिपोर्ट के अनुसार गुरविंदर सिंह के शरीर पर किसी नुकीली चीज़ से चोट लगी है, उनकी मौत भी सदमे और खून बह जाने के कारण हुई थी। वहीं दलजीत सिंह की मौत घसीटने के कारण हुई है, उनके शरीर पर चोट के अन्य निशान भी थे, जबकि छत्र सिंह की मौत शॉक, ब्रेन हैमरेज और कोमा के कारण हुई है। इसी हिंसा में बीजेपी के कार्यकर्ता भी मारे गए हैं, जिसमें शुभम मिश्रा के शरीर पर कई चोटें मिली हैं। हरिओम मिश्रा की मौत लाठी से पीटने से हुई है, उनके शरीर पर कई चोट के निशान मिले हैं। मौत का एक कारण ब्रेन हैमरेज भी बताया जा रहा है। श्याम सुंदर निषाद को भी लाठी डंडे से पीटने और घसीटने के कारण उनकी मौत हुई है। स्थानीय पत्रकार रमन कश्यप के शरीर पर भी कई चोटों के निशान मिले हैं, इनकी मौत भी शॉक और ब्रेन हैमरेज के कारण हुई है। ये सब बातें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार किसी की भी मौत गोली लगने से नहीं हुई है। सभी 8 लोगों की मौत चोट लगने, घसीटने, खून के ज़्यादा बह जाने और ब्रेन हैमरेज के कारण हुई है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल सनराइज न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।